नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। यह महाराष्ट्र चुनाव में इस समय सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। उस चर्चा के बीच में खबर आई है कि महायुति का जो सीट बंटवारा है लगभग क्लियर हो गया है, यानी कि महायुति में बीजेपी शिवसेना शिंदे जी का और एनसीपी अजीत दादा का जो सीट बंटवारा का फार्मूला था अब क्लियर हो गया है। यानी क्या है फार्मूला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। बीजेपी 288 में से 151 और शिवसेना 84 और अजीत दादा का 53 सीट जो है क्लियर हुआ है, यानी इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये। अब इसमें से थोड़ा सा अपक्ष और कुछ रहेंगे जो दूसरे छोटी पार्टियां हैं, वो बीजेपी उनको संभाल लेगी 151 में से। क्या है पूरी जानकारी, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। और भी क्या चीज़ें हैं इसके अंदर वो भी देख लेंगे, किस शर्त के ऊपर ये सब हुआ है ये भी देख लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि शिंदे साहब का जो फार्मूला है 84 वो किस तरह तय हुआ है। सर, आपके पास काफ़ी जानकारियाँ हैं इसके ऊपर, जरा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि 288 सीटों में जो माथापच्ची चल रही थी, शिवसेना शिंदे साहब जो है 100 से 100 लगभग 120 मांग रहे थे या 110 मांग रहे थे, अजीत दादा भी 60-80 नीचे जा नहीं रहे थे। तो जो अभी ये तय हुआ है बीजेपी 151, शिवसेना 84 और अजीत दादा 53, तो कैसे इनको मनाया गया और कैसे इनको संतुष्ट किया गया है सर? कि कैसे ना, हमने एक 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, शायद आपके यहाँ भी बनाया था, मराठी में भी बनाया था। उसने हमने दिया था बीजेपी को 153 जी, तो उसके बदले 151 आ गए, तो ऑलमोस्ट हम करेक्ट थे, बराबर थे। हमने शिंदे साहब को दिए थे 80, तो वो 84 हो गए, थोड़े 4 बढ़ गए हैं। और एनसीपी को भी हमने 50 दिए थे, वो 40-50 50 दिए थे, तो 53 हो गए। मतलब हम बहुत करीब थे उसके, उनका जो फाइनल हुआ है उससे। अभी इसमें ऐसा है कि जो थोड़े अपक्ष और छोटे पक्ष है उनको अगर बीजेपी अकोमोडेट करती है तो 51 में से कम 8 या 10 चली जाएंगे, 10 चली जाएंगे, तो 140 तक रहेंगे वो बीजेपी। तो सर 140 तक वो रहने के कारण एक बात सुनिश्चित हो जाएगी कि किसी भी हालत में वो अपने बलबूते पर सत्ता नहीं बनाएंगे। यानी 140 अगर खड़े करते हैं वो, ये 10 छोड़, चलो 151 खड़े करते हैं, तो उसमें 145 मिलने का चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं, बिल्कुल चांस नहीं है। बहुत ही एकदम वेव आ गई, जो नहीं है वेव है आगे, तो भी सर 151 में से उनको 100-110 मिलना भी बहुत बड़ी कामगिरी हो जाएगी। अतीत इनका जो 105 का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ के 5 सीट भी आगे जाते हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा, बहुत बढ़िया अचीवमेंट होगी। डर ऐसा है कि 105 से 10-15 सीटें कमी हो जाने का डर है। अभी बहुत सारा कुछ घटेगा अगले दिनों में, यानी कि महाआघाड़ी की भी सेंचुरी हैट्रिक जो है बीजेपी देख रही है, उसमें थोड़ी दुविधा लग रही है आपको? हाँ, मतलब इतना आसान नहीं है। और ये ठीक है 151 लिए उन्होंने, तो एक शिंदे साहब और अजीत दादा के, विशेषता शिंदे साहब अजीत दादा का कोई संबंध नहीं है, उनको डर लगता था और उनके लोग भी बोलते थे कि भाई इनको इतने सीट मत दो कि जिसकी वजह से वो बिना अपने सहायता से अपने ही बलबूते पर सरकार बना सके, तो वो वैसे भी संभावना नहीं थी, ये पागलपन ही था ऐसा बोलना कि वो अपने बलबूते पर 145 सीट आएंगी क्या उनकी अकेले की, नहीं आएगी। अभी 105 है, इतना उनका लाट था मोदी साहब का, फिर भी 105 तक पहुंचे हैं, तो कमी होंगे, ज्यादा तो होंगे नहीं, तो उनके बलबूते पर आना सवाल ही नहीं है। 105 की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2019 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे जो 105 आई थी, ये भी देखने वाली बात है। नहीं याद नहीं, तो हमारा टीम नहीं है ना इधर, नहीं तो गूगल पे देखता था मैं, ठीक है वॉट एवर इट इज, मगर ठीक है। और क्या है ना, ये 19 में कैसे है ना, वो शिवसेना और बीजेपी के साथ साथ में थे और शिवसेना अखंड थी जी, ये समय की टूटी हुई है। और अजीत दादा एक नया फैक्टर ना, उस समय उन दोनों का ही बंटवारा, बिल्कुल अभी 3 लोगों का बंटवारा उसी 288 सीट में, ये भी फर्क है, बंटवारे का फटका जो है बीजेपी को तो लगने वाली है, इतना पक्का है। हाँ, लगेगा, सीधी सी बात है ना सर। हाँ, और जो एक थाली में 3 डिवाइड हो गया, पहले 2 डिवाइड होता था। हाँ, वो फर्क है ना। और 151 में से उनको मैं आज की तारीख में जो सर्वे हमारे नैने साहब बार बार करते हैं उससे 100 मिली तो भी सैल्यूट करना होगा उनको। अभी 45 सीटें कम पड़ती हैं जी, वो
अजीत दादा और शिंदे साहब को मिलनी चाहिए, तो 84 में से आधी सीटें जो अभी 40 है उनकी, उनको मिलेगी ना, तो वाह वाह रे वाह वाह, बल्ले बल्ले, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि इनको समझे वो 100 मिली, 90 ही मिलेगी, 100 मिली तो 100 और 40 140 हो गए, और इनको 5-10 सीट भी अजीत दादा को मिलती है तो 145 का आंकड़ा है, कुछ अपक्ष भी हो जाएंगे। हाँ नहीं, वो मैं पकड़ता ही नहीं हूँ सर, इस बार मैं आप पकड़ो या मत पकड़ो, इस बार अपक्ष जो है बहुत बड़ी भूमिका में जाने वाले हैं, भूमिका जाएंगे, और वो जीतेंगे नहीं, भी जीतेंगे नहीं, हराएंगे, ऐसे ऐसे लोग हराएंगे जिसको हम सोच नहीं सकते कि हार गया सर। वो तुतारी और ट्रम्पेट के मामले में लाख लाख वोटर लेके गए, हमारे मतदाता भी कितने पागल है, कितने पागल है, उनको ये तुतारी और इसमें फर्क नहीं नजर आया, लाख लाख वोट दिए। चलिए टीवी पे बता रहे थे कि कम से कम 10 जगह ऐसा हुआ है कि पिपाणी तुतारी में गफलत के कारण लाख लाख वोट गए, 40-50 हजार तो कई जगह गए। इतनी अपनी अज्ञानी है, और लोकसभा की बात कर रहे हैं, हाँ वो चुनते हैं अपने प्रतिनिधि, तो उनके लायक के ही प्रतिनिधि चुनेंगे वो, हो जाने दो अभी उनको गाली नहीं देंगे, मगर ये 151 काफी अच्छा मिला है उनको, 105 है, 151 मिले सबसे। इसमें जो लोग बोल रहे थे ना कि शिंदे सबको काटेंगे, कट साइज करेंगे, 40 देंगे, अरे उनको तो मतलब बड़े मुश्किल से 40 देंगे वगैरह बोल रहे थे उन्होंने। मैं पहले बोलता था कि शिंदे में, शिंदे साहब में दम है, दम देते हैं, लोकसभा में भी हम हिम्मत है, लोकसभा में तो हमेशा कह रहे थे कि 10 सीट भी मिला, हाँ नहीं नहीं मिला नहीं, उनको देंगे भी नहीं, हाँ बोलेंगे बीजेपी चिन्ह पर लड़े, हाँ वो हाँ बीजेपी चिन्ह पर लड़ो बोलेंगे, लेकिन उनको लिया उन्होंने, कितना 19 सीट लिया था ना लोकसभा, तो अभी ये 84 मतलब अच्छा 84 तो बहुत ही बढ़िया यार, 84 में से उनको 40 ही लाना है, आधा ज्यादा लाना नहीं है, अपेक्षा इतनी है नहीं अपनी, उनकी भी नहीं है, चलो वो तो चाहेंगे 50 सीट कम से कम पाए, तो सम्मानजनक स्कोर हो कम से कम 84 में से अगर 50 भी निकाल लिए, सम्मानजनक होना चाहिए सर, अगर इतनी हालत अगर अच्छी होती थी कि 84 में से 50 उनको मिलती थी, तो अपने को महागढ़ की दखल ही लेने की जरूरत नहीं ना जी, हम तो अभी उनको टक्कर बराबर का टक्कर होगा ऐसा अगर मान रहे हैं, तो हर एक का आधा काटना पड़ेगा सर, अगर हर एक आधा काटेंगे तो 151 में से 75 आता है, 75 आता है, 84 में से 42 आता है, और 53 में से 25 पकड़ लो, कितना हो गया, 142 हो गया, 7-4-11 तीन सीट कम है महापौर इसको, आधे आए ना इनके, आधे बहुत मामूली अपेक्षा रख रहे हैं हम, 142 तक जाएंगे ना तो अपक्ष वगैरह पकड़ के करेंगे, मगर वो सर वो भी 140 तक आएंगे। तो यहाँ पर सर अजीत दादा 8 और 10 लोगों में अजीत दादा को थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अजीत दादा जो है की रोल में चले जाए कि भाई मेरे को अब सीएम बनना है, तुम बनाओ या वो बनाए, अजीत दादा को सीएम की बात ही छोड़ो, तो उप मुख्यमंत्री बनाए सर, वो सीएम का कुर्सी देख के बैठे है वो, नहीं सर अब हमारा टारगेट सीएम ही है ऐसा बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो उनके चुतिया जो कार्यकर्ता रहते हैं वो लिख रहे हैं, उनको मालूम है अपनी हैसियत क्या है, भावी मुख्यमंत्री, अरे आप मेरे को इसका होर्डिंग का पैसा दो, 5,000 रुपए में होर्डिंग लगता है, मैं लगा देता हूँ भावी मुख्यमंत्री शामगिरी, तो लगा दीजिए, वो लगा दूंगा तो चर्चा हो जाएगी, चैनल का खड़े हो रहे सर। इसमें मेरे को डाउट ऐसा है थोड़ा कि ये 75 के बदले बीजेपी है ना 151 अगर लड़ती है ना तो 100 तक जाएगी, 180 बीच में 100 तक जाएगी सर, वो बीजेपी वाले प्राण जाए करके, और अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी ली सर, हाँ, और ये जो है वो भी 40-42 तक जाएंगे, तो 140 इधर हो गए, और शिंदे ये अजीत दादा के 25 नहीं आएंगे सर, बड़ी मुश्किल से 10-15 आएंगे, बड़ी मुश्किल से ये 25 हम लिख रहे हैं ऐसा सबका आधा किया करके, पर ऐसा नहीं होगा, 10-15 आए तो बहुत है सर। इसमें राज ठाकरे की क्या भूमिका हो सकती है, क्या लगता है, राज ठाकरे को तो वोट तोड़ने के लिए खड़ा कर रहे, सीट नहीं आएगी उनकी, आएगी मगर वो किंग मेकर बनने की भूमिका में होंगे ऐसा लगता नहीं, इतना नहीं मिलेगा सर, कौन भूमिका में जाएगा वालों में किंग मेकर जिसके 20 सीट होंगे सर, राजी अभी किसी दूसरे राजी को क्या करना चाहिए सर, उनको ना 288 में से 250 बात कर रहे हैं ना, 250 सीट लड़ूंगा, लड़ रहे वो, अगर 250 के बदले में अगर अच्छी तरह से 100 सीट लेके लड़े ना,
और सबको टाइम दे हुए बराबर ना, तो अच्छी खासा सीट निकाल सकते हैं। तो इसमें अभी 250 में कहाँ पूरा, तो ऐसा लगेगा कि सब चिल्लर लोग खड़े हैं, नहीं जो आया उसको दिया ऐसा ही होगा, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं 250 कौन है। हाँ वही तो, और ऐसे ही आया तो हाँ चल ले गुंदा पैसे इतना तो बिगड़े मायागड़े मांगू नको ऐसा होगा नहीं। इसमें क्या है ना कि सर मनसे को जो हाँ वो जीत सकते हैं, पुणे है मुंबई नासिक है, ऐसे 50 कम से कम चुनना चाहिए, 50 ही सीटें, 100 भी नहीं, आप 100 बोल रहे हैं, 50 सीटें करके उसमें से 25 जीतनी है, 25 के साथ भी वो बीच में बैठ के कुछ ना कुछ तो पाएंगे, उप मुख्यमंत्री पद पाएंगे, मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा, उप मुख्यमंत्री हो सकते है वो, मगर वो मानेंगे नहीं सर। तो ठीक है सर, अभी महागाड़ी का जो आएगा अभी उसमें ये ऐसा ही पोजीशन रहेगा, कांग्रेस को अभी बोल रहे 125 देंगे करके, कांग्रेस का 125 का आंकड़ा आया है, और शिवसेना उबाठा को 100 दे रहे हैं, और ये तुम्हारे शरद पवार को और इनको मिलके बाकी कितने रहे 125 और 225 हो गए ना, 225 तो फिर भी रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, वो शरद पवार सबको दे देंगे, उसमें अपक्ष भी इंक्लूड कर लेंगे ऐसा दिखता है। तो कैसा नहीं इनका फॉर्मूला जो होगा सर, शरद पवार उसी प्रकार से होगा, 55 में मान जाएंगे शरद पवार सर, कैसे ना उनका 50 तो आते ही है, 55 सीट में 50 कैसे आएगा, वो तो उनकी खत्म होने वाले बारी। नहीं सर, नहीं सर, शरद पवार एक चमत्कार है, वो कितने भी लड़े, 100 भी लड़े तो 55 ही आते हैं, और 55 लड़े तो भी 55 आते हैं या 50 आते हैं, अब तक का इतिहास है सर, और हर बार ऐसा होता है कि उनके सब लोग छोड़ के जाते हैं, ऐसा नहीं होता अजीत दादा वगैरह रहे मगर बाकी बहुत सारे छोड़ के ही जाते हैं उनको, कांग्रेस में जाते, बीजेपी देखिए चेहरा ना, कांग्रेस बीजेपी में कौन लोग है, सब एनसीपी वाले भरे हैं सर, 7 लोगों को टिकट दिया उन्होंने परिषद का, वो 7 ही बाहर से आए, कोई अंदर का नहीं है, वही बात है, वही तो आज जो चर्चा हो रही थी कि भाई असली बीजेपी वाले जो है उनको नकली बीजेपी वाले कहाँ ढकेल रहे हैं, और ये भी 151 सीट देंगे ना जी, तो उसमें से कम 100 सीटें तो बाहर से आए लोगों को मिलेगी, 50 नाराजगी है बीजेपी सर। अभी आह्वान मैं बोलता हूँ, दो बातें आपको बोलनी चाहिए, एक बात है कि सीट वाटर आपने कर लिया जी, पार्टी का एग्रीमेंट हो गया जी, अभी कैसा है ना कि ये एग्रीमेंट उनके लोग पसंद नहीं करेंगे, बीजेपी वाले बोलेंगे कि क्या है 84 इनके 40 है, उनको डबल दे दिया, तो इनको डबल नहीं दिया ना, 105 है तो 210 नहीं दिया है उनको, ऐसा थोड़ा ही ज्यादा दिया है, 50 ही ज्यादा दिया है, तो बोलेंगे ये बीजेपी ने खुद के ऊपर अन्याय कर दिया, और 84 इनको दिया है क्या, इनके 84 आने वाले हैं, आपने क्यों दिया, ये आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी बीजेपी में, और अजीत दादा को 53 देना तो एक भी बीजेपी वाले को पसंद नहीं आएगा, सब बीजेपी वाले उनके खिलाफ है जी, भाई पार्टी ने पैचअप कर लिया उनको, मगर बीजेपी वाले खुन्नस में है उनके, तो बोलेंगे 53 इसके लायक ही नहीं है, तो वो बोलेंगे मेरे 50 है ना, और लोकसभा में तो उनके वोट ही नहीं पड़े, उनकी बीवी हार गई ना फिर, नहीं नहीं दूसरी बात ये है कि अजीत दादा बोलते मेरे 50 है, मैंने 53 लिए, मतलब 3 ही ज्यादा लिए, आपके 100 है आपने 51 लिए, इनके 40 है इन्होंने 84 लिए, तो वैसे ही अजीत दादा को अन्याय किया है, अन्याय किया मतलब उनको डस्टबिन में डालते डालते ऐसा बाहर निकाल के रखा, सूखा कचरा ओला कचरा होता है ना, तो कुछ वो ओला कचरा करके उनको बाजू में रखा है, सूखा कचरा अंदर चला गया इसके दोनों के इसमें, मगर दूसरी बात ये खिलाफ बगावत होगी कि इतना सीट उनको क्या दिया सर, दूसरी बात महत्व की ये है कि उन्होंने मतदार संघ भले अभी बांटना बाकी होगा, उन्होंने खाली संख्या तय की, अभी जब मतदार संघ 151 कौन से, मेरे ख्याल से कल 84 कौन से, मेरे ख्याल से कल परसों में पहला सीट लिस्ट आ जाएगी, 53 असल लिस्ट कैंडिडेट की आनी है, तो मतदार संघ भी देना पड़ेगा, तुरंत वहां बगावत होती, एक तो नए लोग होंगे या 30 आमदारों के वोट काट रहे, ये काट रहे कैंडिडेट सर, उनमें से 30 में से मैं बोलता हूँ 15 तो कम से कम बगावत करेंगे, ये भी होगी कल से, ये भी सामना कराना पड़ेगा, फिर लोकल लीडर बोलेंगे ये सीट शिवसेना को दी है मैं खड़ा होता हूँ, ये महागड़ी में भी होने वाला है, मगर लीस अपने सामने ये है करके, तो पहला आह्वान रहेगा कि लोग मानेंगे नहीं कि इतना सीट उनको क्यों दिया, दूसरा आह्वान ये होगा महायुति के सामने कि भाई कितने कैंडिडेट कौन है वो हमको पसंद है कि नहीं, और बीजेपी के कितने हैं और बाहर से आए हुए कितनी हैं, तीसरा ये और एक प्रॉब्लम रहेगा कि यहाँ पे शिवसेना की ताकत है और यहाँ पे इसकी ताकत है, यहाँ पे इनकी ताकत है, क्यों कैसे हम नहीं मानेंगे सर, बगावत बहुत होगी, और जिनको टिकट नहीं मिलेगा ऐसे अगर 30 आमदार है 100 में से 30 मतलब 30% लोगों को काट रहे हैं, तो उनमें से तो वो बोलेंगे 5 साल सर बहुत बड़ा काल है आजकल,
उसमें तो कितने मरते हैं, कितने जीते हैं, कितना क्या हो जाता है, तो वो बगावत करके बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा, ठीक है तुमको गिराऊंगा। सर अभी सबकी जिद ये रहती है, मेरे अभी मैं ये धंधा करता हूँ ना इलेक्शन का, तो मेरे पास एक दो कैंडिडेट के ऐसे फोन आए कि सर हम जीतने वाले नहीं है, हमको जीतने का कैंपेन ही नहीं है, गिराएंगे, हमको गिराएंगे, गिराने का है किसी को, तो क्या आप हमारा कैंपेन लेंगे क्या? मैं बोला मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और गिराने के लिए मुझे टाइम नहीं है, जिताने के लिए मेरा कैंडिडेट अगर है तो वो जीत के ही आना चाहिए। ऐसा कल कोई बोले नहीं कि भाई अनिल ने इसका काम किया फिर भी गिर गए, तो वो बात अलग है। मगर सर मुश्किलें कम नहीं होंगी ये सीट वाटअप से, जी, जी, बढ़ेगी, क्योंकि अब तक ये खाली हाईकमांड और शिंदे फडणवीस और इसकी अपने अजीत दादा की बात थी, अब ये बात गांव लेवल तक जाएगी, देखते क्या होता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर तो जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स देखा कैसा सीट बंटवारा हुआ है, बीजेपी को 151 और शिवसेना को 84 और एनसीपी अजीत दादा को 53। तो क्या लगता है कि ये सीट बंटवारा सही है या जो भी है, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स लिखिए। और भी खबरें आगे रहेंगी, जैसे जैसे खबरें आएंगी आपको हम विधानसभा चुनाव जुड़ी सारी खबरें जो है आप तक लाएंगे पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर। और मेरा भी एक अनिल गगन में भी सत्य है, उसको फेसबुक और इस पे ऊपर फॉलो करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।